आपको इनके ये स्कीम ईपीएस पंचायत में कैसी थी, इसमें एक पहला जो प्रावधान था ये दिया हुआ था कि इसका जो लाभ है ये सरकारी पेंशन से 10% ज्यादा लाभ रहेगा। दूसरा जो प्रावधान था कि जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए हर 3 साल के बाद या हर साल उसका महंगाई के प्रति जो इंडेक्सेशन है वो किया जाएगा और अपना पेंशन बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें उदाहरण जो दिया था ये उदाहरण था कि जो बंदा 40 साल काम करता है तो उसकी अपनी जो अंशन की अपने इसकी राशि होती है अंशदान की, उसकी आज की कीमत कितनी रहेंगी तो बताई थी 23 लाख रुपए। उसको पेंशन कितना मिलेगा तो बताया था 27,000 रुपए। और वो बंदा जाने के बाद या उसकी बीबी जाने के बाद उसका जो पुत्र रहेगा या पुत्र रहेंगी जो भी वारिस रहेगा उसको जो धनराशि पूंजी की वापसी जो होंगी जिसको आरओसी बोलते वो कितनी रहेंगी तो बताई गई थी 27,05,000 रुपए। कहाँ गए वो 27,000 रुपए, कहाँ गई वो धनराशि 27,05,000, और कहाँ गए अपने सब जमा हुए पूंजी की जो कीमत है 23,05,000। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ये योजना में जो अपना 20 साल के बाद ज़्यादा सर्विस होती है उसका वेटेज था वहाँ तक भी दिए नहीं, उसके लिए भी हमारे कमांडर साहब को पहला आंदोलन करना पड़ा। दूसरी बात, 2008 में ये आरओसी कम्यूटेशन रद्द करा लिया। दूसरी बात, जो अपना हायर पेंशन की तरतूद थी शान में निकली थी तो वो भी 2014 में काट ली गई, और उसके बाद एक सूत्र जो था पेंशन का वो भी 2014 में घटा दिया गया। तो ये सभी हमारे पे एक से बढ़ के एक अन्याय करते जा रहे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। 20 साल तक हमने कोई लड़ा नहीं लिया, तो ये लड़ा लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए पहला जो व्यक्ति हुआ ये हमारे कमांडर अशोक राउत साहब, पहला जो जोरदार ठोसा लिया संगठन जो बनाया कमांडर अशोक राउत साहब ने बनाया संगठन, एक शहर के स्तर पे पहले बनाया, एक स्टेट के स्तर पे बनाया, और अभी आज ऐसी हालत है कि कम से कम 28-29 स्टेट्स में ये संगठन बना हुआ है और आप सभी लोग इसमें काम कर रहे, प्रेरणा जो है पूरा संगठन जो है ये बना रहे हमारे कमांडर अशोक राउत साहब, और इनका जो कार्य है इनका त्याग निस्वार्थ ऐसा कार्य है, अपने प्रति कार्य है। सभी लोग जानते हैं इनको ये पेंशन लागू नहीं, पेंशन जो भी बढ़ेंगी आपकी बढ़ेंगी मेरी बढ़ेंगी, और इतना पक्का है कि ये संसद बजट सत्र गया 21 तारीख की सीबीटी गई मगर कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ, मैं तो खुलेआम अभी स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सरकार अपने भावनाओं के प्रति अपने हक के प्रति जो है तो निष्ठुर हो गई है। तो इस क्यों उसकी वजह है कि संसद में अपना हमारा सगा कोई नहीं है। रणवीर सिंह जी जो मध्य ग्वालियर से आए उन्होंने बताया हम कमजोर हो सकते मगर कलंक की है, तो हमारे में से अगर कोई भाई है कि कोई इलेक्शन लड़े तो करने की इजाजत दे हमारे साहब के कमांडर साहब को, ये हमारे इनका प्रस्ताव था। एस एस सिंह जी भी कह रहे कि नो वोटा करो, इनके खिलाफ जो रहेगा खड़ा उसको वोट करो, या तो हमारा जो पैसा जमा है उसकी आज की कीमत अपने हमें परत कर वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए पेंशन, हमारा जितना पैसा आज मार्केट वैल्यू से बनता है उतना हमें वापस कर दो। आप सभी भाई जानते हैं अपना पैसा जो है उसकी कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए है, और अभी आप सब लोग जानते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है निर्धन लोगों को 3,000 सोशल पेंशन जारी करने जा रहे हैं, दिल्ली में जो निराधार लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन जो है वो 2,000 से 2,500 रुपए तक है, महाराष्ट्र में जो मीसा में लोग अंदर गए उनको 10,000 का महीना पेंशन जारी हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो मीसा में गए थे उनको 25,000 रुपये महीना पेंशन है, भोपाल गैस कांड में जो लोग है उनको 25,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी में पेंशन है। अब इन लोगों का ये जरूर शिकार दुर्घटना के जरूर है मगर इनका अपना कोई पेंशन में अनुदान नहीं था, फिर भी इनको पेंशन गवर्नमेंट दिए जा रही, और हम लोगों ने हमारा 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल हमारा अंशदान दिया
फिर भी हमारी आवाज सरकार नहीं सुन रही। इसलिए हमें जगह जगह से जो सुझाव आ रहे कि हमारे जो उम्मीदवार हमारे ईपीएस पेंशनर जो खड़े रह सकते इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट करे और हमारे अपने सब के लिए काम करे, क्योंकि जिसका जलता है वही उसकी कीमत जानता है। तो हमारे ईपीएस पेंशनर की जो ये भी चाहत है ये हमारे कमांडर साहब सुने, और इसी के साथ में मैं दो हमारी बात समाप्त करता हूँ। तो नारे जरूर लगाऊंगा, पहला नारा अपने सब के लिए, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अंतर्गत अपन सब काम कर रहे, ये विजयी हो इसके लिए एक नारा जरूर लगाऊंगा। नारा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, विजय हो विजय हो विजय हो, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। कमांडर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जो अपने सबके लिए काम कर रहे, उनके लिए एक नारा लगाए, कमांडर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कमांडर राव साहब आगे बढ़ो, कमांडर राव साहब आगे बढ़ो, कमांडर राव साहब आगे बढ़ो। ये महिला शक्ति हमारे साथ में है, नारी शक्ति आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। नारी शक्ति आगे बढ़ो, नारी शक्ति आगे बढ़ो।